कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।